यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स द्वारा करवाई गई मैराथन प्रतियोगिता के समापन समारोह में वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राकेश पठानिया ने इस दौरान मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले एनजीओ के अधिकारियों की तारीफ की और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद देने की बात कही। राकेश पठानिया ने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ती जा रही है, जिसमें अब लड़कियां भी शामिल हो गई है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के छात्रों ने जिस तरह से डिक्लेमेशन में भाग लिया है वो काबिले तारीफ है। पठानिया ने कहा कि नूरपुर के बच्चों के लिए नए कॉलेज भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 7 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ से बनने वाले इस कॉलेज में एक स्टेडियम, एक सिंथेटिक ट्रैक और वॉलीबॉल हॉकी की अकेडमी भी है। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज पूरे प्रदेश में आधुनिक कॉलेज बनेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगला सत्र नए भवन में चले। पठानिया ने इस दौरान विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। परफॉर्मेंस जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा मैं बच्चों के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस आज यहाँ पे दिया। और ये जो मूवमेंट आज आपने खड़ी की है यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स, आप एनजीओ के माध्यम से मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जो जोरदार कार्यक्रम आपने आज युवाओं को जगाने के लिए किया। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कि जोरदार काम आपने कोरोना के काल में किया। जिस तरीके से आप लोग लगातार कोरोना के पूरे युद्ध में आप हमारे साथ लगे रहे, डटे रहे, लड़ते रहे, उसके लिए मैं आपके दिल से, गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। आज जिस तरफ ये देश बढ़ रहा है, जिस तरफ ये प्रदेश बढ़ रहा है, अगर एक मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था, ये ड्रग्स कहां से आ रही है, ये नशा क्यों बढ़ रहा है। हमारे प्रेस क्लब के सारे मित्र यहां बैठे हैं, मैं इनसे भी बात कर रहा था। ये सारा ड्रग्स का जो रूट है ये वाया अफगानिस्तान आ रहा है। ये अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से होता हुआ पंजाब के बॉर्डर से लेके, गुजरात के बॉर्डर से लेके ये भारत में प्रवेश करता है। और ये ड्रग्स, ये नशा आने वाले इस देश की पीढ़ी को खोखला बनाने के लिए, क्योंकि आज दुनिया की ताकतें जानती हैं कि इस देश को कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता इस देश को। भारत के कदम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अगर इस भारत के कदमों को रोक सकता है तो केवल नशा रोक सकता है और कुछ नहीं रोक। और बड़े हैरानगी की बात तो यह है कि जो नशा जो कभी युवाओं में हुआ करता था आज बेटियों में भी आ रहा है। इसलिए एक बड़ा अलार्मिंग स्टेज है, ये एक बहुत सीरियस इशू है और इस इशू को एड्रेस करना ही होगा। और जिस तरीके से आज इन युवाओं ने, जिस तरीके से आपकी एनजीओ आगे आई है, मैं आपको बहुत बहुत पूरे क्लब को बधाई देता हूं। और मैं आपको ओपन ऑफर दे रहा हूं, हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी सहायता आप मांगेंगे, हिमाचल की सरकार आपके साथ है। आप जैसा जो कार्य बोलेंगे, नशा निवारण केंद्रों का पूरा रिवैम्प कर रहे हैं, डॉक्टर्स की यहां पे 3 की हमने पोस्टिंग करवा दी है, पूरा स्टाफ यहाँ पर रेगुलर बैठेगा ताकि नशा निवारण केंद्र नूरपुर गांव एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चला सके। पर बड़ी बात तो ये है, जिस तरीके से बच्चों ने आज डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट किया, मैं बधाई देना चाहूंगा सभी बच्चों को, दोनों बेटियों को और बेटों को, जिन्होंने यहाँ पे आज बहुत अच्छा बोला, दिल से बोला, दिल की गहराइयों से बोला और अपनी रूह से बोला। अपने पुराने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मैं भी बहुत डिक्लेमेशन में पार्टिसिपेट किया करता था, डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया करता था, पर जो लेवल ऑफ डिक्लेमेशन और डिबेट्स आज आपने डिक्लेमेशन कर दिया वो सचमुच बहुत ही अच्छा था, बहुत हाई स्टैंडर्ड का था। अब ये कॉलेज की नई बिल्डिंग का कार्य लगा हुआ है, मैंने कल ही 7 करोड़ रुपया और कॉलेज के नए भवन के लिए इशू किया है और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक हम नया भवन बनाने में तैयार हो जाएंगे और अगला एकेडमिक सेशन आपका नए कॉलेज में लगेगा। और नए कॉलेज का मतलब कि 22 करोड़ का कॉलेज जिसके अंदर एक स्टेडियम भी है, एक सिंथेटिक ट्रैक भी है और एक वॉलीबॉल हॉकी की एकेडमी भी है, एक अपने आप में बहुत ही आधुनिक कॉलेज जो शायद हिमाचल प्रदेश में ना हो, वैसा कॉलेज नूरपुर में निर्माण आजकल पूरी तेजी के साथ काम लगा हुआ है। मेरा स्वप्न रहेगा ये स्थान, इतना बढ़िया स्थान हमने जो डेवलप किया है। मुझे याद है जब, जैसे आपने बताया कि मेरा जन्म लदोड़ी में हुआ और जब हम जवान हुए हमारे पास नूरपुर में कॉलेज नहीं था पढ़ने, हमको या धर्मशाला जाना पड़ता था या पठानकोट जाना पड़ता, क्योंकि यहां पे कॉलेज था ही नहीं।
मुझसे पहले इंदौरा में कॉलेज खुल गया, चौली में कॉलेज खुल गया, पर नूरपुर में कॉलेज नहीं खुला। 98 में जब मैं विधायक बना, पहला काम हमने किया था, हमने इस बिल्डिंग को टेक ओवर करके यहाँ पे हमने आर्या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुरू किया था, ताकि हमारे बच्चों को, जैसे हमें बाहर जाना पड़ा आपको बाहर ना जाना पड़े, हमारे बच्चों को ना जाना पड़े। आज बहुत अच्छी स्टेट में हमारी बेटियां यहाँ पे पढ़ रही हैं, हमारे बेटे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक अच्छा फलता फूलता कॉलेज अब यहाँ पे नूरपुर में स्टैब्लिश कॉलेज है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस कॉलेज की बिल्डिंग की जगह कल को नूरपुर का एक बहुत बड़ा हमारा सपना है, एक लड़ाई है, नूरपुर को जिला बनाना है, जिला का मुख्यालय यहाँ पे खुले, हमारा कॉलेज की जगह पे एक बड़ी संस्थान यहाँ पर आए, ऐसा स्वप्न मैं लेकर आगे बढ़। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा के रिपोर्ट। गोयल मोटर्स प्रीमियर लीग 2022 क्रिकेट बैरल स्टार्ट्स फ्रॉम 16th मार्च 2022। 10 टीम्स, 150 प्लेयर्स, 20 लीग मैचेस, 2 सेमीफाइनल्स एंड फाइनल विद ग्रैंड सेरेमनी। डोंट मिस ग्रैंड ओपनिंग। वॉच लाइव ऑन GMPL ऐप एंड लाइफ टाइम्स टीवी। डाउनलोड द GMPL ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और iOS। एंड फॉर लाइव एक्शन फॉलो अस।